हेलो फ्रेंड, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आप सभी के लिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ये हमारा DSO है, और DSO जो है आपको पता है कि रिपेयरिंग में जो है बहुत बड़ा इसका रोल होता है। तो DSO को यूज करना है, किस तरीके से यूज करते हैं, उसका सेटिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जब तक अगर आप DSO की सेटिंग आप नहीं जानते हैं, तब तक प्रॉपर DSO का आप यूज नहीं कर सकते। तो हमारे साथ जो है विक्रम सर हैं जी। सर, हम अभी ये जो है DSO का यहाँ पर हमने स्क्रीन पर लिया हुआ है, तो DSO के हम क्या कौन सा सेटिंग के बारे में आज वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि हमारे जो यूजर हैं जी उनको ये बेनिफिट हो, और यूजर को ये बार बार दिक्कत आती है और हमारे पास कितने कॉल भी आते हैं कि सर हमने DSO के बहुत सारे सेटिंग कर दिया है, लेकिन फिर भी DSO जो है हमारा उस तरीके से उतना वोल्टेज या उतना वो डेटा नहीं आ रही है, किसी वोल्टेज नहीं आ रही है, तो उसकी प्रॉपर सेटिंग कैसे हम करेंगे। देखिए सर, पहला तो मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जो बेसिक अगर सेटिंग के बारे में अगर बात करते हैं कि कोई भी वोल्टेज चेक करना है या कोई फ्रीक्वेंसी चेक करना है, उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियोस बना करके डाला हुआ है। तो आज जो हमारा मेन लाइन है कि जो यहाँ पर जो ये सेंटर लाइन देखते हैं ना सर हम लोग, अभी मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ जिससे कि और भी अच्छे से क्लियर दिखेगा कि जो ये सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन पे क्या है कि ये जो ग्राफ जो भी हमारा वोल्टेज का होता है, जैसे कि मैं अभी इस प्रॉब को निकालता हूँ, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो 0 वोल्ट पे अगर नहीं आ रहा है आपका, तो जीरो लाइन जिसको जीरो वोल्ट का जो ये लाइन होता है हमारा, अगर इस वोल्ट पे अगर इसी आपका नहीं आ रहा, जैसे कि अब मैं सेट टू जीरो भी करता हूँ, यहाँ से देखिए सेट टू जीरो करता हूँ, फिर भी ये प्रॉपर जो है, देखिए यहाँ पे अप्रोक्स 20 मिलीवोल्ट जो है, 200 मिलीवोल्ट का इसमें गैप आ रहा है, मतलब वो मिलीवोल्ट यहाँ दिखा रहा है। हाँ, यहाँ पे ये दिखता रहता है हमारा। बिल्कुल, मतलब इतना आपका गैप है, मतलब अभी भी हमें अब प्रॉपर समझ में नहीं है आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि सपोज कि मान लीजिए कि सर मैं अगर 3 वोल्ट पे प्रॉब को लगाता हूँ, तो हमें ये समझ में आता है 0 वोल्ट ये हुआ, ठीक है। तो अगर 1 वोल्ट का आपने एक ग्राफ बनाया, तो सपोज ये लाइन से इस स्ट्रेट लाइन के पास होना चाहिए 1 वोल्ट, और यहाँ पे होना चाहिए 2 वोल्ट, यहाँ 3 वोल्ट। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये यहाँ पे आ रहा है ग्राफ, तो इसका मतलब हम समझेंगे 3 से ज्यादा वोल्ट, 3 वोल्ट ज्यादा आ रहा है। हाँ। तो यानी आपका ग्राफ कहीं ना कहीं वोल्टेज को गलत दिखाएगा, और यहाँ पे जो आप सेट कर रखे होंगे, पता चले कि आपने 1 वोल्ट चेक किया, वहां पर दिखा रहा है 1.2 वोल्ट। मतलब कहने का मतलब है कि हमें मेन इसका जो सेटिंग है वो जानेंगे, क्योंकि ये सेटिंग में सबसे ज्यादा इशू यही आता है। ये जो जीरो लाइन है हमारा, ये लाइन जो है ना, ये लाइन पे ये वाला जो ग्राफ है, ये जीरो जीरो पे एक बार सेट कीजिए तो जी। देखिए मैं यहाँ से यहाँ पे दोबारा सेट टू जीरो का एक बटन होता है यहाँ पे, हाँ, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, मतलब इसको जो है यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे आपको प्रेस कर, अभी भी ये यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। तो इसको मैनुअली भी तो हम कर लेते हैं ना जी, मैनुअली करते हैं। देखिए मैं अभी मैनुअली करता हूँ, मैनुअली करिए, ये देखिए मैनुअली यहाँ पे ये रोटरी है, इसको घुमाएंगे तो देखिए सर ये माइनस हो गया। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए सर ये कितना माइनस में आ गया आपका। अच्छा, ये 1 वोल्टेज जो है यहाँ माइनस में आ गया। यहाँ पर देखिए ये चीजों को देखेंगे अभी, मैं देखिए ये 0 वोल्ट अभी दिखा रहा होगा आपको, यहाँ देखिए ये देखिए 200 मिलीवोल्ट, अगर सेंटर लाइन पे लाता हूँ तो 200 मिलीवोल्ट यहाँ पे लिखा भी आता है, 200 मिलीवोल्ट आप माइनस में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अब इसका मेन सेटिंग हम सॉल्यूशन आपको बताते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या, आप बताइए सर इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आपके पास DSO मशीन है, तो DSO मशीन के अंदर होता है एक सेल्फ एडजस्ट कैलिब्रेशन का। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके जरिए क्या करेंगे, लेकिन कैलिब्रेशन करने के लिए अगर प्रॉब लगा करके आपने कैलिब्रेशन कर दिया, तो आपका फिर जो अलाइनमेंट था उससे भी ज्यादा खराब हो सकता है, मतलब कहने का सही भी हो सकता है। आप ये कहना मतलब इसको रिसेट करता नहीं या डिफॉल्ट सेटिंग लाना, आपका कहने का मतलब नहीं, रिसेट नहीं करेंगे सर, यहाँ फैक्ट्री रिसेट नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, फिर इसका कैलिब्रेशन करेंगे। अच्छा, तो वो कैसे होगा बताइए। इसके लिए क्या करना है कि जो DSO मशीन के अंदर जो प्रॉब लगा होगा उसको क्या करना है, सिंपल बाहर उसको डिस्कनेक्ट कर देना, मतलब यहाँ पे जो भी केबल लगा होता है इसका यूज का, उसको हमें क्या करना वो है बाहर निकालना। जैसे कि मैंने ये केबल को भी डिस्कनेक्ट कर दिया, की जितने भी इसके प्रोब यहाँ पर लगे होंगे उन सबको एक बार हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ये हो गया फिर जी। अब ऐसा नहीं कि आप पावर केबल ही निकाल देंगे तो DSO ही बंद हो जाएगा, वो नहीं करना है। अब यहाँ से जो एक ऑप्शन है मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, तो अभी देखिए हमारा वो एक नंबर चैनल ऑन है, और यहाँ से सिंपल क्या करना है, डिस्प्ले का ऑप्शन पे, यूटिलिटी का ऑप्शन होगा एक, यूटिलिटी का ऑप्शन है,
यूटिलिटी पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यूटिलिटी पे क्लिक करने के बाद सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ़िग ही आपको नजर आएगा, तो इसके अंदर आपको जाना होता है, तो इसके लिए आपको F1 प्रेस करना होगा। बिल्कुल, तो F1 जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक सेल्फ एडजस्ट का ऑप्शन आएगा, और इसके लिए फिर F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सर एक ऑप्शन आ जाता है सेल्फ कैलिब्रेशन। हाँ, तो सेल्फ कैलिब्रेशन करने के लिए अप्रोक्स 3 से 4 मिनट का ये टाइम मांगता है, जिसमें कि आपको सारा चीज सेटिंग करेगा, और इसके अंदर क्या होगा कि सेलेक्ट बटन प्रेस करके कंटिन्यू करेंगे और मेन्यू बटन प्रेस करके कैंसिल। अगर कैलिब्रेशन करना है तो आप सेलेक्ट बटन को प्रेस कीजिए, अगर नहीं करना है तो मेन्यू बटन प्रेस करके आप कैंसिल की ओर बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मेन्यू का बटन है यहाँ पे, इसको प्रेस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये मल्टीपर्पज का एक वॉल्यूम होता है, ये रोटरी होता है प्लस स्विच होता है, दोनों चीजों के यहाँ सेलेक्ट भी लिखा हुआ है। हाँ, सेलेक्ट भी लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ, अभी डबल क्लिक करने वाला हूँ। डबल क्लिक कीजिए, जैसे देखिए अभी डबल क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक, ये देखिए कैलिब्रेशन ऑटोमेटिक जो है वो ये ऑटो करेगा सिग्नल को, जो अभी है जहाँ पे उसका जो लाइन है वो अपने आप एडजस्ट होने लगा। अब मान लीजिए कि ये करने से नहीं हुआ तो नहीं हो रहा, फिर आपके DSO से फॉल्ट है। तो DSO मशीन को जब आप खोलेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, प्रीसेट दिया होता है, प्रीसेट होता है, तो प्रीसेट के जरिए भी आप उसको सेट कर सकते। बिल्कुल, ये दो ही ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। और दो ऑप्शन क्या, 99.9 इससे हो जाता है सॉल्व, लेकिन फिर भी नहीं हुआ तो खोल के इसके अंदर जो प्रीसेट होता है उसको आपको चेक करना होता है या उसको रिप्लेस करना होता है। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जब ये कैलिब्रेशन करेंगे तो जितने भी इनपुट केबल है वो सबको रिमूव करके रखेंगे, तभी जाके वो आपका सेटिंग होगा। प्लस इसके अलावा भी अगर आपके DSO के अंदर आपने कुछ ऐसा सेटिंग कर दिया जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो सेटिंग क्या था, क्या करना था और किस तरीके से हो गया है, वो समझ में नहीं आ, तभी भी यही ऑप्शन है जिससे कि आप वो सेटिंग को फिर क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग में ला सकते हैं, जो डायरेक्टली कंपनी का जो सेटिंग होता है या, या आप चाहे तो रीसेट कर सकते हैं ड्रिल मशीन को, फैक्ट्री रीसेट करके जो फैक्ट्री से जैसा मोड में आया उस तरीके से उस स्टेटस में आ जाएगा। ठीक है, और DSO जो है, अच्छा ये बताइए DSO के जगह पे हम मल्टीमीटर यूज करते हैं जी, तो DSO क्यों जरूरी है? देखिए सर कि कई बार जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ही बताता हूँ सर कि बैटरी सेक्शन होता है ना अपना, जिसमें क्लॉक डेटा और टेम्परेचर आता होता है। अब मान लीजिए उस पे वोल्टेज मिलता है 3.3 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्लॉक तो ओके नहीं। बिल्कुल, लेकिन हम लोग कई लोग ये चीज मल्टीमीटर से ही हम कंफर्म कर लेते हैं, हम बता देते हैं कि ये क्लॉक ओके है। लेकिन सर मैं एक चीज कहता हूँ, उस लाइन में तो एक पुल अप रजिस्टर लगा होता है जो वोल्टेज कहाँ से आता है, LDO से। हाँ, वो तो ऐसे भी आएगा 3.3, तो हमें कैसे कंफर्म होगा क्लॉक डेटा हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा। तो उसके लिए क्या होता है कि सर कभी भी किसी चीजों को अगर हमें चेक करना होता है क्लॉक डेटा वाले लाइन में, तो जिससे वो लाइन कनेक्टेड होता है जैसे कि बैटरी के लिए होता है, हाँ, तो जब तक उस पर बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे, हाँ, तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद मल्टीमीटर से देखेंगे तो 3 वोल्ट ही आएगा, हाँ, लेकिन DSO से चेक करेंगे तो उस जगह पे आपको डेटा दिखाएगा, क्लॉक और डेटा दिखाएगा जी। तो मेन डेटा क्लॉक अगर आपको प्रॉपर रिपेयरिंग करना है, कंप्लीट रिपेयरिंग करना है, तो DSO आपको आना चाहिए, और DSO के द्वारा डेटा क्लॉक फ्रिक्वेंसी ये सब आप चेक कर सकते हैं, प्लस वोल्टेज कब बन रहा है, कितना मिली सेकेंड में वो वोल्टेज बन रहा है, ये सब चीजें जो है आप DSO से चेक कर सकते हैं। सर ये हमारा कैलिब्रेशन हो गया, हाँ, अब ये लाइन बताइए हमारा सेंटर पे है या नहीं? अभी तो सेंटर पे ही दिख रहा है, क्योंकि यानी हमारा कैलिब्रेशन प्रॉपर क्या हो गया, ओके हो गया। बिल्कुल, अभी देखिए हमारे दोनों चैनल है, तो मैं एक चैनल को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, हाँ, जिससे अब देखिए बिल्कुल सेंटर पे ही आपको नजर आएगा ये लाइन। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा अगर आपके भी DSO में अगर कोई दिक्कत होगा तो इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये यहाँ पे जो वोल्टेज, ये मिली वोल्टेज ये क्या ये है? अभी प्रॉप सर कनेक्ट करेंगे तो अभी ये जो है तो वो ऐसे दिखाता रहता है, हाँ हाँ, ये पल्स होता है इसका, हाँ हाँ, जैसे कि अब मैं इसमें कनेक्ट करूंगा तो अभी देखिएगा इसमें, और इस प्रॉप को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ सपोज, ठीक है। अभी देखिए सर थोड़ा वोल्टेज वगैरह भी हमारा अलग हो गया होगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी मैं थोड़ा सा इसको सेटिंग करूंगा, जैसे कि AC पे है, हाँ अभी AC पे है, इसलिए मैं इसको अभी DC कर दूंगा। बिल्कुल, तो यहाँ से इसको मूव करके मैं DC पे लेके चलता हूँ, ठीक है। अब देखिए DC पे जैसे मैं इसको ले करके आया हूँ, थोड़ा सा बड़ा करिए, थोड़ा सा मैं अभी कर देता हूँ इसको, ये देखिए सर
अब देखिए ये ग्राफ देखिए बिल्कुल जीरो सेंटर लाइन पे है ये पॉइंट, और यहाँ से अब देखिए ये 3 वोल्ट का यहाँ तक जा रहा है। अब इसके अंदर कोई भी वेरिएशन आपको नजर नहीं आएगा, और यहाँ देखिए 3.4 वोल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, 3 वोल्ट जीरो जीरो फोर है, तो उसका मतलब आंतरिक नहीं, मतलब 3 वोल्ट प्रॉपर यहाँ पे। अगर उस समय जब हम देखते हैं तो यहाँ पर 3.2 आता आपको। अच्छा अच्छा जी, तो ये थोड़ा सा आपको चेंजिंग मिलेगा जिससे कि आप एक्यूरेट वोल्टेज जो है वो उसे चेक नहीं कर पाएंगे। एक चीज और इसमें सेटिंग होता है सर, जो है जैसे कि हम इसको एक बार बाहर निकालते हैं जी, और नहीं बाहर निकालने से पहले कभी कभी ये जो लाइन है ना, ये पीक वाला जो टाइम है, ये कभी बेंड हो जाता है, ये सीधा नहीं होता है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है सर कि ये जो हमारा प्रॉब है, हाँ एक बार निकाल दीजिए, मैं निकाल के दिखाता हूँ। और इसमें प्रॉब के अंदर ना एक यहाँ पे होल्स होगा जो इसके अंदर प्रीसेट लगाओ, बिल्कुल। तो इस प्रीसेट जब हमारा सर कि जब हम नया खरीद के लाते हैं स्टार्टिंग में, तो प्रीसेट जो पहले से मूव किया होता है, मूव किया होता है, मान लीजिए कि अलाइनमेंट वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हो सकता है कि वो एसी वोल्टेज पे सेटिंग करके किसी ने रखा हो, और हम जो करते हैं वो डीसी पे करते हैं, सब अपने अपने जरूरत के हिसाब से चीजों को करते हैं। तो अभी मैं दिखा देता हूँ इसमें इसका लाइन किस तरीके से रिजोल्व करेंगे। तो इसके लिए एक स्क्रू ड्राइवर हमें यूज करना पड़ेगा इसमें जी। देखिए इसके साथ डीएसओ मशीन के साथ आपको ये स्क्रू ड्राइवर मिलेगा जो प्लास्टिक का होता है, और ये लाइन में अगर मान लीजिए कि अभी तो मेरा ये सही है, सही है, तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कि फॉल्ट कैसा आएगा। तो देखिए देखिए कुछ इस प्रकार आपको इस तरीके से ज्यादातर भी इशू आता है, तो इसका सोल्यूशन भी यही है कि आपका जो प्रोब निकालना है और प्रोब के अंदर जो प्रीसेट लगा है उसको आप एक स्क्रू के मदद से, आपके डीएसओ जब लेते हैं साथ में आता है या कोई भी स्क्रू ले सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर ले सकते हैं, और उसके द्वारा जो है अभी देखिए फिर मैं दोबारा इसको सही करता हूँ। तो अब देखिए मैं यही स्क्रू ड्राइवर क्यों यूज करूँ, देखिए इसमें भी एक खास बात है कि अगर हम कोई और स्क्रू, जैसे कि अगर स्क्रू ड्राइवर का कोई भी सोचेंगे कि माइनस बिट तो लगता है, तो मैं माइनस बिट ही कोई यूज कर लेता हूँ स्क्रू ड्राइवर का। ये देखिए जैसे कि ये भी हमारा स्क्रू ड्राइवर का बिट है, सोचते हैं कि चलिए मैं इसी से घुमा लेता हूँ, लेकिन देखिए जैसे मैं इस पे लगाऊंगा तो ये देखिए ऐसे में आप कैसे सेट कर पाएंगे, बिल्कुल तो इससे सेट नहीं हो पाता, जिस वजह से इसके साथ एक सेपरेट स्क्रू ड्राइवर मिलता है प्लस प्रॉपर ये होता है जिससे कि कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे देखिए अब मैं इससे लगाऊंगा तो इसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं होगा जिससे कि आप प्रॉपर चीजों को सेट कर पाएंगे। ये तो इस तरीके से आप कोई भी डीएसओ हो और उसमें अगर कोई भी सेटिंग का इशू आता है तो आप वो सेटिंग को जो है जो हमने जिस तरीके से वीडियो में बताया उस तरीके से करके आप जो भी है उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो जो डिस्प्ले पर नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके आप सपोर्ट ले सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर कोई सेटिंग के बारे में आपको जानना है तो इसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश यही करूंगा कि उसके ऊपर भी आपको वीडियोस बहुत जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। और मेन डीएसओ का जो यूज है, जब तक आप उसका यूज ना समझे तब तक उसको खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉस्टली होता है, तो पहले उसको यूज समझिए देन उसके बाद से उसको परचेज कीजिए। परचेज करने के लिए भी अगर आपको चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल होता है, तो उसके लिए भी आप जो भी डिस्प्ले पर नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं। ये भी वीडियो बस यहीं तक है, और अगर आपको कोई भी कोर्सेज करना है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज कराते हैं, लैपटॉप रिपेयरिंग, मैकबुक रिपेयरिंग हो गया, कार्ड लेवल हो गया, मोबाइल हो गया, प्रिंटर हो गया, सीसीटीवी हो गया, एलईडी टीवी हो गया, ई व्हीकल हो गया, एसी का हो गया, तो हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलता है। आप डिस्प्ले पर नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके जो है डेट आप ले सकते हैं। तो अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।